सम्मिलित हुए हैं, क्या कहना है? सात स्वर होते हैं, सात समुद्र हैं, तो सात का तो खेल बड़ा निराला है, हफ्ते में सात दिन है। तो यहाँ सतरंगी है, शिल्पा जी ने बहुत प्यार से प्रस्तुत किया है, हमारे राजीव महावीर बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन हैं, जितना अच्छा तबला बजाते हैं उतना ही अच्छा म्यूजिक देते हैं, उतना अच्छा गाते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, म्यूजिक अरेंजर हैं, बहुत ही वर्सटाइल इंसान। तो मुझे जब पता लगा कि ये इतना खूबसूरत काम हुआ है, और भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ जितने म्यूजिशंस जिन्होंने इसमें बजाया उन सब का भी नाम यहाँ लिखा हुआ है। एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम आज इसामरा की तरफ से म्यूजिशंस को भी रॉयल्टी देते हैं, तो इस एल्बम में जो सिंगर हैं उनको रॉयल्टी देंगे, म्यूजिक डायरेक्टर को IPRS देंगे, और जितने लोगों ने इसमें प्ले किया है क्योंकि उन सब के नाम यहाँ हैं तो उनको भी रॉयल्टी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, ये सिस्टम बन जाना चाहिए जैसे कि हम म्यूजिशंस को भी मदद करते रहे। देखिए, शिल्पा दोषी बहुत प्यार से इन्होंने काम किया है, मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं, इस एल्बम को शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना है कि घर घर में ये गाना गूंजे, सबके यहाँ पहुँचे और लोग इसका आनंद लें। जितना हमारे देश में अच्छा म्यूजिक प्रस्तुत होगा वो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत शुभ है। सब और राजीव भाई के फादर सब हम लोग फैमिली फ्रेंड्स रहे हैं, और वो ट्रेडिशन हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। मुझे हमारे सारे भाई हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और ये एल्बम जो आप देख रहे हैं सतरंगी, इसमें राजीव भाई ने बहुत अच्छा कंपोजिशन किया है, और शिल्पा दोषी जी को गवाया है उन्होंने, और हम लोग चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने और शिल्पा दोषी जी की हौसला अफजाई करें। और राजीव भाई तो अच्छे कंपोजर हैं, अभी मैं भी एक गाना उनके साथ किया है और बहुत जल्दी उसको रिलीज करने वाला हूँ। आई एम श्योर ये बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ थोड़ा सा मैं सुन पाया था जब मैं इनके साथ काम कर रहा था, तो यकीन है कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। तो सब जाइए और सुनिए। थैंक यू। बहुत ही खुशी की बात है कि आज सतरंगी नाम से राजीव महावीर जी ने ये एल्बम लॉन्च कर रहे हैं, और एक गाने नहीं करीब 5-6 गाने वो लॉन्च कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आजकल फिर से एक दौर आया है कि पूरा एल्बम करने की, वरना लोग सिंगल करने लगते थे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और ईश्वर ये एल्बम लोगों तक अपनी रीच इस तरह से पहुंचाए कि इसको लोग सुनने के लिए, देखने के लिए बार बार देखें और बार बार इसे सुने। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी हाँ बिल्कुल, क्लासिकल तो बेस है, क्लासिकल के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मॉडर्न जमाने के भी गाने अगर चले तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्लासिकल का पुट तो जरूर है। तो अब तो लोगों ने इस तरफ तवज्जो देना लगे हैं, क्योंकि मेलोडी जो है वो कभी नहीं मर सकती, मेलोडी हमेशा जिंदा है। मेरी बहुत बहुत बधाई है उनको, पूरी टीम को, ईश्वर करे खूब कामयाब। थैंक यू। सतरंगी बिल्कुल 100% क्लासिकल एल्बम नहीं है, ये यूथ को भी ध्यान में रखे बनाया गया है। एंड जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि सतरंगी नाम ही ऐसा है कि जिसके अंदर पूरा म्यूजिक, हर तरह का म्यूजिक होता है, यानी म्यूजिक के 7 रंग इसके अंदर पिरोए गए हैं। और मैं राजीव महावीर जी, जो इस एल्बम के सारे गानों के कंपोजर हैं और बहुत बड़े राजस्थान के म्यूजिक घराने से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत से ये गाने सारे बनाए हैं जो हर किसी एज के लोगों को पसंद आए।
और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि आज के दौर में भी मतलब मुझे इस तरह के एल्बम के साथ जुड़ने का एक मौका मिला है और काफ़ी सारे अच्छे गाने इसके अंदर हैं, हर तरह के लोगों को जो पसंद आएंगे। मतलब धुनकी गाना जो ऐसा है कि मतलब वो तो यूथ को भी पसंद आएगा और हर तरह के लोगों को पसंद आएगा। तो हमने ये पूरे प्रोसेस को बहुत एंजॉय किया, बहुत मेहनत की है सारी टीम ने। शिल्पा दोषी जो इस एल्बम की सिंगर हैं उनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि धुनकी के बाद राजीव महावीर के संगीत की और शिल्पा की आवाज़ की सबको धुनकी लग जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राजीव जी का और शिल्पा जी का, जो इतने बड़े गाने उन्होंने मुझे सौंपे और जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली उन्होंने, और आई होप मैंने बाखूबी इसको निभाई है और लोगों को काफ़ी पसंद आए गाने। और पैनारोमा म्यूजिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने बड़ी ग्रैंड वे में रिलीज़ किया उसको, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से अच्छे म्यूज़िक को सपोर्ट करें लोग, ओरिजिनल म्यूज़िक को सपोर्ट करें। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस ग्रैंड इवेंट एंड द ग्रैंड इवनिंग। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू पैनारोमा, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज हर दौर में जो है मेलेडी चली है, बिकॉज बिगनिंग से आप देख लीजिए जब से म्यूजिक आया है इंडस्ट्री के अंदर और अब तक जो चल रहा है, जो गाने हिट हुए वो भी मेलेडी है और जो आगे हिट होगी वो भी मेलेडी है। जो शोर शराबा है वो थोड़े टाइम के लिए चलता है और फिर वो गायब हो जाता है, वो टिकता नहीं, आपको जहन में भी नहीं होता गाना, वो गाना आपको याद भी नहीं होगा, आप गा भी नहीं पाएंगे उसको। और जो मेलेडी होगा उसका आपको जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो भी आप गा के सुनाएंगे, तो वो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तक याद रह जाते हैं उसके। तो यही बात है मेलेडी की, यही मैजिक है मेलेडी का। सो आई थिंक हमको ये सपोर्ट करना चाहिए और इसी तरह के म्यूजिक जो है आगे भी बनते रहे, लोग बनाते रहे और म्यूजिक इंडस्ट्री को मतलब इससे बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच। नहीं भाई, अभी इस जिसने भी ये वीडियो देखी हो इसका हीरो मैं ही था और क्लीन शेव में था, तो इसलिए किसी ने शायद पहचाना नहीं है। और अभी मैं अपने फिल्मी गेटअप में हूँ, जो मेरा बजरंगी बाजान वाला केसरी वाला गेटअप है, और बड़ा अच्छा रहा। राजीव भाई का हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि एक गाना करने जा रहे हैं, तो हम पहुँचे एक बड़े खूबसूरत से महल में और वहाँ पे शूट करके आ गए वहाँ से, और इट्स ब्यूटीफुल। और शिल्पा जी का डेब्यू था, उन्होंने बड़ा प्यारा गाया था, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट रखा था और इट वॉज वंडरफुल। बाकी सब तो आप लोगों ने देखा ही है, तो इट वॉज लकी, इट वॉज गुड टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल एल्बम। एग्जैक्टली, ये भी जरूरी है कि जो सूफी है, जो गजलें हैं, वो दौर अभी जिंदा है और ये उसकी एक मिसाल है, और कोशिश यही है कि लाइक ऑडियंस को ऐसा गाने, ऐसे मिजाज, ऐसा म्यूजिक सुनना चाहिए क्योंकि ये एवरग्रीन है। अगर हम आज भी कोई भी सिंपल अंताक्षरी भी खेलते हैं तो बचपन के पुराने किशोरदा रफ़ी साहब के गाने गाते हैं, लता जी के गाने गाते हैं, आज के गाने नहीं गाते, तो ये भी उन्हीं गानों में से एक लिस्ट आने वाला है। थैंक यू। थैंक यू भाई। पहले तो आप सबका शुक्रिया, मेरी मीडिया का जो हमें सपोर्ट करती है। मैं चाहूँगा कि ओरिजिनल म्यूजिक को सपोर्ट करिए, जो आर्टिस्ट को मौका नहीं मिलता उनके लिए सपोर्ट करिए। और सतरंगी एक ऐसा लफ्ज़ है कि सबकी लाइफ में है, ये मैंने पहले भी कहा, और रोमांस की कोई उम्र नहीं होती, वो दिखता नहीं है, वो होता सबके अंदर है। और प्यार इबादत, ये एक ऐसे 8 गानों का एल्बम है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस करूं और सबको मौका मिलना चाहिए। मैं पैनोरामा का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, शिल्पा जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कहा कि मुझे एल्बम करना है। और इस एल्बम से मैं चाहूँगा कि जिन लोगों को रास्ता नहीं मिलता है कि भाई कैसे किया जाए, कैसे गाया जाए, उनको इस रास्ते पे जरूर आना चाहिए और उनसे सीखिए जो म्यूजिक जानते हैं। कट एंड पेस्ट तो नहीं है, ये बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आज आप लोग आए हैं
ऑडियंस आई, बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सतरंगी एल्बम और म्यूजिशियंस को सपोर्ट करें, आर्टिस्टों को सपोर्ट करें, म्यूजिक डायरेक्टर को सपोर्ट करें। मैं चाहूंगा कि शिल्पा जी आए, आइए, ये हमारी आर्टिस्ट है। अच्छा लगा, हाँ जी, हाँ कैसा? आज के बारे में क्या कहना चाहिए? आज के बारे में तो दिस इज एक्चुअली आई कांट इवन से कि इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने ये सपना देखा ही नहीं था, इन्होंने दिखाया एंड ही मेड इट कम ट्रू एंड नाउ आई थिंक दिस इज माई लाइफ, दिस इज द यही करूँगी मैं अब। एंड थैंक यू बोलना है मुझे उनसे, ग्रैटिट्यूड। एंड द अदर थिंग इज पनोरमा म्यूजिक, आई वुड रियली लाइक टू थैंक देम अ लॉट बिकॉज मेरा नाम कोई नहीं जानता है, अब जानेगा। और उन्होंने ऐसे ही, मतलब राजीव जी की मेहनत से ऑफकोर्स, बट ही दे टुक माई एल्बम and supported me, so I'm really very thankful to them. गाने बहुत ही डिफिकल्ट थे, यानी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। जितने सुनने में इजी लगते हैं उतना इजी राजीव जी देते नहीं है गाने। और द अदर थिंग इज दैट जो पर्सनैलिटी है मेरी, तो अलग अलग सतरंगी इसीलिए उन्होंने दिया है हमको, अलग अलग। आप जरूर सुनिएगा, आप शेयर भी कीजिएगा, और तो आप देखेंगे कि एवरी सॉन्ग इज डिफरेंट, एवरी सॉन्ग उसका माहौल अलग है और एक जर्नी है कि एक नया प्यार है, फिर उसका जो स्टेप्स है यू नो, एंड सिंगिंग स्टाइल में भी हर एक गाना अलग है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर मी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेलेडी जब भी आई है उसने हमेशा अपनी जगह बना के वो रही है, वो गायब नहीं हुई। मेलेडी एक साउंड नहीं है, मेलेडी दिलों को छूने वाला तार है जो कि छूता है और आदमी के अंदर घर बना लेता है। तो वो घर जो है ओरिजिनल म्यूजिक से आता है। लग जा गले के हंसी रात होना हो, आज भी यूथ भी गा रहे हैं, बच्चे भी गा रहे हैं, और एक 50-60-70 साल पुराना गाना है, लेकिन ऐसे कई गाने हैं। तो हमें खुशी है कि हम ओरिजिनल म्यूजिक को सपोर्ट करते हैं, काम करते हैं, और एक सीखा हुआ काम सामने लाना चाहते हैं। ऐसा ही नहीं कि हाँ हम गाना शौकिया कर रहे, नहीं, ये बहुत मेहनत का काम है। आप YouTube पे देख सकते हैं इनको, कई म्यूजिक चैनल्स पे देखेंगे आप, और सारे म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पे रहेगा ये पैनोरामा, Spotify, iTunes, Gaana.com, हर जगह पे जहाँ जितने म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं उस हर जगह पे आप लोगों को मिलेंगे। तो हमने जो वीडियोस बनाए हैं वो संतरामपुर करके एक जगह है गुजरात में, बहुत ही प्यारा पैलेस है, और वहीं पे हमने शूट किए थे। तो दैट सेट द टोन, और रॉयल ओपेरा हाउस नेचुरल चॉइस था। आप जब एक नींव दिखाते हैं कि हमारी नींव क्या थी, हमारे म्यूजिक की नींव क्या है, तो फिर आप उससे नीचे नहीं आना चाहते। आज ये फिर से दोबारा बना है, दोबारा बनने के बाद इसकी शान, इसकी शौकत, इसकी जो थी उसको आज फिर दोहरा कर याद रहेगी लोगों को, जनरेशन में याद रहेगी। ऐसा ही हमारा म्यूजिक है। तो शिल्पा जी को आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए, हम लोग अच्छा म्यूजिक सामने लेके आए, और आप लोगों के सपोर्ट से जितना हो सके ये फैलेगा। एंड आई एम सो थैंकफुल टू द मीडिया, थैंक यू सो मच। इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट इनके हस्बैंड का है, क्योंकि फाइनेंस नहीं हो तो कोई सपोर्ट नहीं होता, और जब क्वालिटी का काम करना होता है तो हम लोगों को बहुत ध्यान करना पड़ता है कि भाई हम बॉलीवुड के साथ, भाई बॉलीवुड का साउंड ऐसा है, ये है, वो है, लेकिन
इफ यू मेंटेन अ क्वालिटी देन कंपनी सपोर्ट्स यू, अच्छे काम को सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें भी वहां तक पहुंचने के लिए बहुत आप देखिए कि इसका इंतजाम करना पड़ा था, वी हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी. एंड नो बिसाइड्स दैट आई वुड से फैमिली में देखिए दे हैव माई फैमिली, उन्होंने एक्सेप्ट किया है इतना बड़ा चेंज, क्योंकि पहले तो क्या हम फैमिली बिजनेस में काम करते थे, फैमिली आई मीन अलग लाइफ स्टाइल होती है, लेकिन अब वहाँ से निकल कर यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है, डेडिकेशन. तो मेरी फैमिली ने जो इतना ब्यूटिफुली एक्सेप्ट किया है और पुश किया है, मुझे सपोर्ट किया है, तो आई एम ब्लेस्ड. आई वुडन्ट इवन से थैंकफुल, आई एम ब्लेस्ड. नहीं गई नहीं दिल की मेरी गुजारिश है तू जिद है मेरी ख्वाहिश है तू. लिरिक्स भी सुनिएगा, तौफिक पालवी ने लिखे हैं. तर है जिससे रूह की जमी इश्क की ऐसी बारिश है तू दिल की मेरी गुजारिश है सिद है मेरी ख्वाहिश है तू. थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ये एक ही बहुत ही देखिए म्यूजिक वैसे भी बहुत ऐसी कर देने वाला काम वैसे भी नहीं है, और शिल्पा ने जिस तरीके से डिलीवर किया है, अपने पैशन को ऊपर रखा है, और ये एक एल्बम बनाने के लिए एक एल्बम है, 8 गाने हैं, बहुत खूबसूरत गाने. ये वाकई में जैसा नाम है आप देख रहे हैं सतरंगी, वैसी हर गाने में एक एक रंग दिखाई देगा आपको, उनकी गायकी दिखाई देगी, उनका हर एक कलर दिखाई देगा. और राजीव महावीर जी ने, राजीव सर ने जो म्यूजिक किया है वो तो वाकई में हर म्यूजिशियन के साथ हर अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर लाइव, ज़्यादातर आजकल लाइव कोई करता नहीं है, तो लाइव म्यूजिक को भी लेकर बहुत खूबसूरत आप लोगों ने देखा ही है, 2 कमाल के वीडियो हुए हैं, तो बहुत मज़ा आया और हमने बहुत मेहनत करी भी है. और बहुत जल्द मुझे ये उम्मीद है कि ये अपनी एंट्री अब बॉलीवुड में प्लेबैकिंग के लिए भी करें और सबको अच्छी पसंद आएगी ये आवाज़, ये मैं श्योर हूँ, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इस सतरंगी एल्बम को, और मेरी बेस्ट विशेस पूरी टीम के साथ. थैंक यू, थैंक यू. क्या है कि इन द वर्ल्ड जहाँ हर चीज इतनी फास्ट पेस हो रही है और हर चीज इतनी बदल रही है, महावीर परिवार जो है, मैंने कथक सीखना शुरू किया इस साल, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनकी ब्लेसिंग रही है कि मैं उनके घराने को समझूं. मैं खुद राजस्थान से हूँ, मैं पुष्कर को बिलोंग करती हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि हमारे देश में कल्चर हमारे म्यूजिक और डांस की वजह से ही है. और जब ऐसे लोग हों जो रेगुलर कॉर्पोरेट जॉब्स में अपना सपना नहीं छोड़ते, तो मुझे ऐसा लगता है सतरंगी इज एक बहुत बड़ा चिन्ह है, बहुत बड़ा एक्चुअली संदेश है लोगों को कि जैसे शिल्पा ने, एंड शी इज नॉट यंग राइट, ऐसे मोड़ पे 20 साल जॉब करने के बाद भी अपना सपना कि वो एल्बम करेंगी, गाना बनाएंगी, उसको छोड़ा नहीं. एंड आई लव द फैक्ट कि राजीव मिक्सेस कंटेम्प्रेरी विथ सूफी. मुझे ऐसे लगता है हम सब स्पिरिचुअल हैं, तो एक सूफी अंदाज में जब आप अपने दिल के सपने को पूरा करते हैं, तो मुझे ऐसे लगा आज की उड़ान वो थॉट की थी. और मैं होप कर रही हूँ कि सभी लोग जो ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज सपना देखना बंद मत कीजिए, क्योंकि हम सब में कला होती है और हम उसको बोल देते हैं. घर चलाना है, काम करना है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में हम भूल जाते हैं एक मैजिक जो हमारे अंदर आर्ट का है, उसको प्लीज अलाइव रखिए. इट वॉज ब्यूटिफुल. एंड अनूप जी ने बहुत अच्छा कहा कि जो अपने सपने जब साकार करते हैं ना, तो ईश्वर भी खुश होते हैं. तो अगर हम इबादत करते हैं या हम प्रे करते हैं, दिस इज वन सर्विस यू कैन गिव टू योर गॉड, क्योंकि उन्होंने आपको गिफ्ट दी होती है और आप उसको भूल जाते हो. सो ग्रेट इवनिंग ऑल इन ऑल, एंड
kudos to Rajiv and Shilpa. मैं वेट कर रही हूँ कि वो रेडियो सिटी पे आके हमारे साथ बात करें. थैंक यू. पहले तो मैं यश महावीर हूँ. मैं खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर हूँ. तो मेरा एसोसिएशन शिल्पा जी और मेरे मैं एक्चुअली राजीव जी का बेटा हूँ. सो आई हैव बीन क्लोज टू द प्रोजेक्ट मतलब जब शुरू हुआ था. सो वेरी फर्स्ट डे जब ये स्टार्ट हुआ था तो शी वॉज वर्किंग इन टू BPCL गैस एजेंसी में. तो शी टुक द रिटायरमेंट फ्रॉम देयर. तो उनको ऐसा था कि बट पैशन होता ना इंसान में. तो ऐसा नहीं कि हम छोटी उम्र से अगर काम करना शुरू करें या कुछ उम्र का फिर कुछ नहीं होता. पैशन अगर जिंदा है तो उम्र कुछ भी नहीं है. एज इज जस्ट अ नंबर. वो हम कहावत कहते हैं ना. तो शी प्रूव्ड उनका जो पैशन था टुवर्ड्स म्यूजिक. तो आपने आज सब सुना ही आप सब लोगों ने. तो आई होप आप लोगों को भी मजा आया हो जितना हम लोगों को ये प्रोजेक्ट करने में मजा आया हो. तो आई एम होपिंग कि आप ये चीजों को शेयर करें और बहुत अलग लेवल पे पहुंचा दें. जी तो मैं और मेरा छोटा भाई हमारी दोनों की एज अ जोड़ी है मल्हार यश नाम से. मेरे छोटे भाई का नाम मल्हार है. तो मल्हार यश नाम से हम लोगों की जोड़ी. हम लोगों के 7 सिंगल्स आ चुके हैं अभी तक फ्रॉम 7 यूनिक चैनल. और अभी कुछ मूवीज भी आ रही है, कुछ वेब सीरीज भी आ रही है एमएक्स प्लेयर के लिए. और भी कुछ बहुत सारे काम आ रहे हैं जो आपको सुनने में मिलेंगे. तो बहुत मजा आएगा. बिल्कुल हम वो भी करना कोशिश करेंगे. हम आज के दौर को भी जिंदा रख रहे हैं क्योंकि हम यूथ हैं. तो हम कोशिश करते हैं कि हम जितना यूथ से भी जुड़े रहें विद द साउंड. तो बस वही एक कोशिश रहती है हमेशा के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ये हमारा ये सौभाग्य की बात है कि ये इतना बड़ा लॉन्च ओपेरा हाउस में हो रहा है. हमारे फैमिली के लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि शिल्पा जी हमारे फैमिली मेरी भाभी है. बट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रॉयल ओपेरा हाउस और ओपेरा हाउस का नजरिया देखूं तो हमारी एक ट्रेडिशन रहा है कि हम बडिंग आर्टिस्ट को प्रमोट करें. ये भी एक नए आर्टिस्ट हैं तो उन्होंने ये अपना शो अपना एल्बम यहाँ लॉन्च किया. उससे हमें भी बहुत खुशी है और हम चाहते हैं कि ये एल्बम और ओपेरा हाउस में लॉन्च होने से हमारे जो सपोर्टर्स हैं उनके माध्यम से बहुत फैलेगा. तो मेरी बेस्ट विशेष है शिल्पा जी को और हमारे सारे ओपेरा हाउस थिएटर के तरफ से भी उनको बेस्ट विशेष है. हम चाहते हैं कि उनका एल्बम बहुत सक्सेसफुल हो. थैंक यू. थैंक यू.